हाजिर हाँ दोस्तों, तुहाडे सन्मुख प्रिंसीपल सुजान सिंह की लिखी हुई कहानी है पठान दी ती। गफूर पठान जद भी छम्मी अपने कमरे में आता, उन्हां कमरिया में रहने वाले बच्चे काबली बाला करते आपो अपने कमरिया में जा लुकते। एक निक्का जिहा सिख मुंडा बेखौफ उत्थे खड़ोता रहिंदा ते उसके थैले खुले डुले कपड़े उसके सिर के पटे ते उगड़ दुगड़ी पग वल देखता रहिंदा। गफूर नूं ओ बच्चा बड़ा प्यारा लगता सी। एक दिन उसने उस मुंडे कोलों पठानी लहजे की हिंदुस्तानी विच पुछया कि तेनू मेरे कोलों डर नहीं आता। बच्चे ने मुस्करा के सिर हिला दिता। गफूर दे सुरख चेहरे ते होर लाली दौड़ गई। उसने बच्चे वल दोवें बाहां प्यार भरे जज्बे नाल वधाइया। बच्चा पठान की लत नाल चंबड़ गया पर गफूर ने उसनू कच्छां विच हथ दे के अपने सिर तो उपर चुक लिया ते लाड करन लग पिया। सामने कमरे विच्चों बच्चे की भैण निकली जो मसी 8 बरियां दे सी। वीर नाल पठान नू प्यार करदा देख के ओ भी कोल आण खड़ोती। पठान बड़ी जोर दी खिड़खड़ा के हस रहा सी ते वीरो दा वीर अजमेर पैर दे ठुड्डा नाल पठान दी पग उडाउणी चाहुंदा सी। आखर एक ठुड्डे नाल उस दी पग थल्ले जा पई। गफूर जोर दी हस्या ते अजमेर नू थल्ले उतार के कहण लगा, बाबा तुम जीता। जद पठान ने वीरो नू अपने लागे खड़िया देखिया तो उस अजमेर कोलों पुछया कि ये तेरी भैण है। अजमेर ने बुल मीट के मुस्कुराउंदिया कहा, हूँ। गफूर ने एक हाथ नाल वीरो ते दूजे हाथ नाल अजमेर नू लक दुआले फड़ लिया ते लगा जोर दी चक्कर कट्टन। बच्चे खिड़खिड़ हसदे सन। गफूर उच्ची उच्ची हूँ हूँ करी जांदा सी। इस हूं नू सुन के निक्की कुड़ी नू कुछड़ चुकी तेजो बाहर निकली ते अपने बच्चियां नू गफूर कोलों भां भां बिल्लियां दे हूटे लेंदे देख के डर जी गई पर पंजाबणा वाला हौसला करके बोली, बे अजमेर नी वीरो। गफूर उत्थे दा उत्थे खड़ो गया ते बच्चियां दी मां दी चढ़ी हुई त्योड़ी ते खिचियां होईयां अखां देख के उस दोहां नू उतार दिता ते आप मसी मसी डिगणों बचिया। तेजो ने बच्चियां नू डांटदिया कहा, आ लैण दिओ अज अपने बापू नू। वीरो ते झट अंदर जा वड़ी पर अजमेर डट के खड़ो गया ते सिपाहियां वांग कमर उत्ते दोवें हथ रख के कहण लगा, आ लैण दे फेर। तेजो ने अगां बद के अजमेर नू बाहों फड़ लिया ते उसनू तरीकदी अपने कमरे विच लै गई। गफूर किन्ना चिर अजमेर दा रोना धोना सुनदा रहा। आखर वो अपने अंदर वड़िया ते अपने झोले विच्चों एक निक्का जिहा टुट्टा होया शीशा कढ के मूँह देखण लग पिया। उस दिन उसने रोटी ना पकाई ते एवें ही वह सौ गया। किसी नूं पता नहीं कि गफूर की काम करता है। कोई कहिंदा सी हिंग जीरा ते शिलाजीत बेचता है, कोई कहिंदा सी सूद ते रुपए दिंदा है ते बड़ा बड़ा ब्याज लैंदा है, अते कोई कहिंदा सी इस कोलों बच के रहना, ये न्याणियां नूं चुक के लै जांदे हुंदे जे। उत्थे सारे बंगाली ते बिहारी मजदूर रहिंदे सन। किसे किसे दा बाल बच्चा नाल सी पर उन्हां दे बच्चे तां किते रहे। वो आप भी पठाणा कोलों बड़ा डरदे सन। आमू सामणियां कतारां दे सिरे उत्ते अजमेर ते गफूर पठान दा घर सी। अजमेर दा प्यो रिजर्व विच आया होया फौजी सी, लागली मिल विच चौंकीदारी दा कम करदा सी। तेजो ने आउंदिया ही मालक दे खूब कन्न भर दिते। दिन चढ़दिया ही अजमेर दे बापू ने गफूर दा बूहा जा खड़काया। कुछ चिर मगरों गफूर सिरों नंगा अखां मलदा बाहर निकलिया ते उसनू सामने वेख के कहण लगा, क्या गल है जमादारा सरदारा। वीरो दे प्यो ने टुट्टी भज्जी हिंदुस्तानी विच कहा, देख बई तू मुसलमान है खान ते असी सिख लोग, तू साडे बच्चियां नाल ना खेड। सिख है कि मुसलमान, बच्चा तो सबका एक है सरदार, खुदा तो सबका एक है।
जमादार ने गर्म होंदिया कहा, एक वेक कोई नहीं, तू साडे बच्चिया नाल ना खेड, नहीं तो जे तू पठान है तो मैं भी सिख हाँ। पठान ने अपने कौमी सुभा तो उल्ट होर नरमाई नाल कहा, सब बच्चे मेरे को डरते हैं, ते तेरे बच्चे मेरे को नहीं डरते, वह मैनू चंगे लगे सन, तू अपने बच्चों हटा लै कि वह मेरे को ना आन, मैं किसी नू सददा नहीं, मैं ते कल्ला रहिंदा हाँ। बस बस, जमादार ने कहा, फैसला हो गया है। बच्चे अक्सर दा बचा के गफूर दे सामने आउंदे सन, गफूर उन्हां नू घूरी वट के ते ये कह के नसा दिंदा सी कि तुहाडा बाप मारेगा। फिर भी कई बारी गफूर दा जी पसीस जांदा सी ते ओह चोरी चोरी उन्हां नू काबल दा शरदा जां काबल दा अनार दे दिंदा सी ते कहिंदा सी कि चोरी चोरी खा के घर जाना। बच्चे एवें ही करदे सन। बीरो ते अजमेर कोलों छोटी ते कुछड़ली कुड़ी कोलों वड्डी तेजो दी एक होर भी धी सी। वह बहुत घट घरों बाहर निकलती सी। निक्की कुड़ी दे जम्मण तो पहला वह बड़ी छिंदी सी। हुण माँ दा प्यार नवे बच्चे वल होण करके वह प्यार दी थोड़ अंदरों अंदर महसूस करती सी ते पूरा ख्याल अपने वल नार देख के अक्सर मामूली गल तो रो पैंदी सी ते जिदा करती सी। तेजो उसनू गुस्से हुंदी सी, वह रोंदी सी ते उसनू होर मार पैंदी सी। तेजो वलों कुड़ी दी ए हालत देख के वीरो ते अजमेर भी उसनू दा लगदे कुट लैंदे सन ते जद वह रोंदी सी तां एवें रोंदी कह के तेजो कोलों होर मार पवा दिंदे सन। कुड़ी रुल जी गई ते अपने बचाव वास्ते उन्हें बाहर फिरना तुरना शुरू कर दिता। बड़े बच्चे फिर भी उसका पिछा नहीं सन छड़दे। गफूर रोज सब देखता सी पर कुछ कह नहीं सी सकता। बड़ियां बच्चियां दी चाह उसके दिल विचों घटदी गई ते जालमां नूं छड़ के मजलूम नाल उसकी हमदर्दी वधदी गई। बहुता चिर पंजाबियां दे सामने रहन करके वह पंजाबियां दी बोली काफ़ी समझ लैंदा सी ते तेजो दी निक्की कुड़ी नूं दित्तियां गालां सुन के वह बड़ा दुखी हुंदा सी। इन्हां दिनां विच खुनामी करके 2 महीनियां लई जमादार दी नौकरी टुट गई। फिर ते कुड़ी दी शामत होर आ गई, जिहड़ा आवे उसनूं कुट्टे। तेजो कहे, इह रोंदी रहिंदी सी तां साडी नौकरी गई। महीने दे महीने तनखाह मिलण नाल रोटी दा गुजारा तुरदा रहिंदा सी, हुण बड़ी औकड़ बन चुकी सी। मजलूम दे रहम ने गफूर दे दिल विच जालम ते रहम करन दा जज्बा भर दिता। उस एक दिन जमादार नूं सद्या ते कहा, सरदार तू मेरा भाई है, मैनू पता है तेनू तंगी है, मैं तेरी मदद करनी चाहुंदा हाँ, ना ना करी। सरदार चुप सी ते गफूर ने 15 रुपए उसके हाथ विच दिते। घर विच लोड़ सी, दिल पठान कोलों मदद लैण नूं नहीं सी करदा पर फिर भी उस 15 रुपए रख ले। सोचा मेरी नौकरी लग जाएगी तो सने सूद मोड़ देवांगा। जाण लग्गिया जमादार नूं फिर बुला के ते अपणिआं वांग मोढे ते हथ धर के गफूर ने कहा, सरदार तेरी औरत ते तेरे दोवें वड्डे बच्चे छोटी लड़की नूं मारते रहिंदे हन, वह नादान है बेकसूर है, उसनू मत मारो, मैनू तकलीफ हुंदी है, मत मारो, देखो वह बहुत कमज़ोर है, मर जाएगी। किन्ना चिर पठान दियां तरलियां भरियां अखां जमादार नूं याद रहियां। उसने तेजो नूं आख्या कि वह कुड़ी नूं ना मारिया करे, पर तेजो ते बच्चियां दी आदत पक चुकी सी। जद सरदार नूं नवीं थां तों पहली तनखाह मिली तां वह पहलों गफूर कोल गया। 15 रुपयां दे नाल पठान दा करड़े तो करड़ा सूद गिण के उस 5 रुपयां दा नोट होर जोड़ दिता। गफूर नोट देख के हैरान होया ते आखण लगा, सरदारा ये क्या है? सरदार ने कहा, तुहाडा रुपया ते सूद, हम मुसलमान पठान हैं। पठान ने रोह विच आण के कहा, हम सूद को हराम समझता है। गफूर दी तम तमाई हुई शकल देख के जमादार ने कहा, मैनू पता नहीं सी
कि कोई पठान सूद नहीं भी लेंदा। अच्छा लग गया पता, पर ए लो अपने रुपए। ए ता मदद सी, गफूर ने कहा। बच्चा सबका एक है सरदार। जमादार ने उसकी एक ना सुनी ते रुपए बदोबदी उसनू दे के घर आ बढ़िया। बूहे विच निक्की कुड़ी रो रही सी। वीरो ते अजमेर उसनू तंग कर रहे सन ते तेजो चौंके विचों बिना देखिया उसनू गालां कढ़ रही सी। जमादार ने अजमेर नू झड़किया, वीरो नू एक लाई ते कुड़ी नू कुछड़ चुके मूँह पूंजदा चौंके कोल पुजा। कुछ कहना ही चाहुंदा सी कि तेजो ने उसनू देख लिया ते कहन लगी, वड्डी लाडली खसम नू खाणी नू चुक लिया, सारी सारी दिहाड़ी रोंदी रहिंदी है नैश। जमादार ने उसनू खूब झाड़ पाई ते ओ मूँह सजा के एक नुकरे बैठ गई। तेजो चिड़ नाल कुड़ी नू होर मारन लग पई। कुड़ी जिद्दड़ ते ढीठ बन गई। गफूर कुड़ी दी शामत आउंदी रोज़ देखदा सी। उसनू इकली धुप विच डिगदी टेंदी देख के उसका दिल पंगर जांदा सी। एक दिन एहो जी मानसिक हालत विच छोटी कुड़ी नू गफूर ने सैनत नाल बुलाया। वो कोल चली गई, उसनू चुक के अंदर लै गया, झोले विच हथ मारिया, उस विच कुछ नहीं सी। पठान दियां अखां विच दो अथरू आ गए। वह दब्बे पैरी बाहर निकल के फलां दी हट्टी वल वध्या। उस उत्थों दो तीन किस्म के फल लैके कुड़ी नू फड़ाए। कुड़ी हाबड़ी हुई, कदे एक ते कदे दूसरे नू पवे। गफूर दा हौका निकल गया। उस सोचिया इस दी माँ बड़े बच्चे ते सरदार इसनू मार के छड़नगे, इसनू बचाउणा चाहीदा है। उसने बोझे वाली गुथली विच हाथ मारिया। दो रुपया की भान सी। सोचिया नस के कमरे विचों कुछ होर ले आवां, उत्थे तां मेरे कोल हज़ार तो उपर रुपया है। पर फिर ख्याल आया कि कुड़ी नू छुड़ाउण दा मौका खुंझ जाएगा, उसकी माँ रौला पा देवेगी, हो सकता है सरदार नाल वखेड़ा हो जाए। वो घर ना मुड़िया। उस एक मुसलमान की घोड़ा गड्डी पकड़ी ते स्टेशन उत्ते पहुँच के कितों की टिकट कटवा ली। पिछों रौला पै गया, काबली वाला लड़की उठा के लै गया। कोई कहे देखा सिख डरता नहीं था, कोई कहे पठान दाते सी लै उड़िया। पांतों पांत गल्लां ने सरदार दा दिल गफूर वालों खट्टा कर दिता। थाने रिपोर्ट लिखाई गई। तेजो रो रो के फावी हुंदी जांदी सी। पुलिस हैरान सी कि पठान इन्ना रुपया ते बूहा खुला छड़ के क्यों चला गया। पूरे महीने मगरों जमादार नू शनाखत वास्ते थाने सद्या गया। कुड़ी हथ कड़ियां विच जकड़े गफूर दे कुछड़ सी। प्यो दी आवाज़ सुन के कुड़ी ने एक वारी प्यो वल मूँह करके फिर मोड़ लिया। तेजो दा भी उत्थे कोई चारा ना चलिया। कुड़ी बड़ी तकड़ी हुई हुई सी ते पठान कमज़ोर। जमादार तेजो ते होर हमसायां ने शनाखत कीती। पठान बिट बिट उन्हां वल तक्की जांदा सी। आखिर जद पुलिस कुड़ी उस तों लै के जमादार नू देण लगी तां कुड़ी दियां चीकां ते पठान दे वकड़वाह ने कमरे गुंजा दित्ते। पठान कहिंदा सी, ना दिओ कुड़ी जालमां नू, ये मार देणगे मेरी धी नू, ये जालम कसाई मार देणगे, बचा लो मेरी धी नू। थानेदार कड़क के बोलिया, तो तुम इसको बचाने के लिए उठा के ले गया था। चारे पासे हासे दा हड़ आ गया। कोई कहिंदा सी मचला है, पर गफूर रोई जा रहा सी, रोई जा रहा सी।